राहुल गांधी ने बोला है कि आरएसएस में महिला नहीं है, जिसके कारण आज आरएसएस है। जिस दिन महिला आ गई आरएसएस में, आरएसएस खत्म। और इसलिए प्रधानमंत्री महिला से संबंधित जितनी भी घटनाएं हो रही है उस पर चुप्पी साधे हुए। देखिए, इस समय जो ओबीसी कमीशन बना दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उससे राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से सांस लें और कहां छोड़ें। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं इस देश को कि 60 साल में कांग्रेस ने ओबीसी को उसका हक नहीं मिलने दिया, और मात्र 4 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन बना करके उसी संसद में पास कर दिया, कानून बन गया। करोड़ों दबे कुचले पीड़ित वंचित शोषित दलित लोगों को भी जो हक देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इसमें राहुल गांधी की हवा निकल गई। अब राहुल गांधी जी इसको सिर्फ मोड़ना चाहेंगे, वो अगर किसी दिन कपड़ा निकाल के भागने भी लेंगे सड़क पे तो आप आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये देश अभी जो बाजा बज रहा है, मिठाई खिला रहे हैं लोग, कौन लोग हैं? ये ओबीसी समाज के लोग हैं, ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का सम्मान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का सम्मान है, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है। राहुल गांधी जी अब जवाब दें कि 60 साल में आपने और आपकी पार्टी ने, आपकी माताजी ने, आपकी दादी जी ने, आपके दादाजी ने, आपके बाबूजी ने, सब लोग शासन किए, लेकिन ओबीसी को हक क्यों नहीं मिला, पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिला? राहुल गांधी जवाब दो, वरना चुप रहो। राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी महिला पत्रकार से मिलते हैं, आज पूरे देश की महिलाओं कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अगला पीएम महिला होगा, तो क्या महिला के शरण में चले गए? अरे राहुल गांधी से पूछो कि आपका जो युवा अध्यक्ष है वो किस महिला के साथ क्या किया है, जरा पूछ के आके हमको जवाब दीजिए।